गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि उत्पादन आयुक्त ने जनपद में धान खरीद की प्रगति की समीक्षा। कहा शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को समय से किया जाए पूरा, न बरती जाए कोई कोताही। कैंट क्षेत्र के सिंघनिया में गल्फ इंस्टीट्यूट से 22 लाख रुपए की लूट की वारदात का एसएसपी ने किया सनसनीखेज खुलासा। कहा एजेंट ने ही चार साथियों के साथ मिलकर 22 लाख लूट की वारदात को दिया था अंजाम। वहीं वादी संचालक समेत चार पर स्टंप की कूट रचना में दर्ज किया गया मुकदमा। उरवा थाना क्षेत्र के बेलवा दाढ़ी गांव में संदिग्ध अवस्था में महिला का जला हुआ मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच में जुटी। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई परफॉर्मेंस ग्रांट समिति की बैठक। गांव के विकास पर की गई चर्चा, योजना को जल्द से जल्द क्रियान्वयन के दिए निर्देश। गोपलापुर इलाके में दबंगों द्वारा फिल्मी स्टाइल में असलहा लहराते, चौराहे पर भौकाल बनाते, फोन पर किसी शख्स को धमकी देते हुए वीडियो को गोरखपुर न्यूज टीवी चैनल पर प्रमुखता से दिखाए जाने का पुलिस के अधिकारियों ने लिया संज्ञान। एक युवक को किया गिरफ्तार, अवैध असलहा और घटना में प्रयुक्त स्कूटी की बरामद, भेजा जेल। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सेवा योजन विभाग की समीक्षा बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। सूर्य विहार कॉलोनी में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग मामले में तिवारीपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने फरार चल रहे 15,000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक। नेहरू युवा केंद्र में युवा गतिविधियों के संचालित किए जाने पर हुई चर्चा। कहा गाँव में गठित हो किशोरी मंच। एक पिता के 20 बच्चों के बीच आपसी पारिवारिक विवाद में पंजीकृत मुकदमे में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त मोहम्मद फरीद को तिवारीपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यातायात माह के चौथे दिन एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा शहर के अंदर काले ऑटो के प्रवेश के रोकथाम के लिए चलाए गए चेकिंग अभियान। दर्जनों गाड़ियों के काटे गए चालान, दी गई चेतावनी। गोरखपुर में बुधवार को मिले 53 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,155। अब तक 306 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। एक्टिव मरीज हुए 584। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। ट्रेलर और टेम्पो के आमने सामने की हुई भिड़ंत, चालक समेत चार लोग गंभीर रूप से हुए घायल, हालत नाजुक। बेलीपार पुलिस ने अपने सरकारी वाहन से घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया जिला अस्पताल, डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज किया रेफर। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बेसिक शिक्षा विभाग के कायाकल्प योजना की समीक्षा बैठक। परिषदीय स्कूलों में निर्माणाधीन कार्यों में हो रही देरी पर जताई नाराजगी। कहा समय से पूरा करे कार्य। कोतवाली सर्कल क्षेत्र में अवैध रूप से पटाखे की बिक्री करने वाले चिन्हित व्यवसायियों के ऊपर पुलिस की है पैनी नजर। सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा पकड़े जाने पर की जाएगी गैंगस्टर की कार्रवाई। और प्रशासन के निर्देश पर महवा मंडी में 5 दुकानों पर निर्धारित रेट पर आलू प्याज की बिक्री निरंतर है जारी। व्यापारियों ने कहा दामों में गिरावट आने तक आम जनता को मिलता रहेगा सस्ते दर में आलू प्याज।